तो दोस्तों बात करें तो यहाँ पे इंडिया के अंदर आज के समय में आप टेस्ला भी आ रही है और यहाँ पे स्टारलिंक भी आपको देखने को मिलेगा। देखा जाए तो स्टारलिंक जिसका इंतजार हम काफी लंबे समय से कर रहे थे, जो कि बेसिकली आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, वो आपको जियो और एयरटेल दोनों ला रही है। हालांकि जियो एयरटेल बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन क्रिएट करते हैं, लेकिन आज के समय में जब सैटेलाइट इंटरनेट की बारी आती है तो दोनों कंपनीज स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप कर रही है। इंडिया में स्टारलिंक को बस अप्रूवल की जरूरत है और एक बार अगर अप्रूवल मिल गया तो स्टारलिंक उसे यहाँ पे इंडिया के अंदर जियो एयरटेल प्रोवाइड करेंगे। और एयरटेल का तो ये भी कहना है, जैसे आपने 2G 3G 4G और 5G देखा और आने वाले समय में 6G भी देखेंगे, और ऐसे ही आने वाले समय में आपको 7G भी देखने को मिलेगा, यानी कि आपका एक मोबाइल फोन डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा और वहां पे आप अगर टावर है भी नहीं तो भी आप यहां पे इंटरनेट का यूज कर पाएंगे, कॉल्स को अटेंड और रिसीव कर पाएंगे। ये बहुत ही सही चीज लगती है उन एरियाज के लिए जहां पे अभी भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज, जहां जियो ने अनाउंस किया था कि वो अपना स्पेस फाइबर लाएंगे और एयरटेल बोल रहा था कि हम वन वेब के साथ काम करेंगे, लेकिन अब कंज्यूमर ग्रेड के लिए दोनों कंपनी स्टारलिंक के साथ आ रही हैं। अब देखने वाली बात है कि इनके प्लान्स वगैरह कैसे होते हैं। हालांकि एक बात बता सकता हूं, स्टारलिंक इतना ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता, आज भी जो फाइबर ब्रॉडबैंड है वो यहां पे लीड करता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टारलिंक को इंडिया में एंट्री ना मिले, लेकिन जियो एयरटेल अगर अपना खुद का सॉल्यूशन बनाए, इसरो के साथ अगर काम करके सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को अगर सच में लोग प्रोवाइड कर दे एक नॉर्मल कंज्यूमर तक, तो बहुत अच्छी चीज होती। इसके साथ ही स्टारलिंक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम प्रोजेक्ट है और इसकी जो प्राइसिंग रहती है काफी एक्सपेंसिव रहती है यूएस वगैरह में, तो इंडिया के हिसाब से किस तरीके से खेलेंगे ये देखने वाली बात है। और जहां जियो और एयरटेल दोनों बड़े बड़े कंपटीशन दे, अब एक ही कंपनी के साथ यहां पे काम करेंगे और एक ही तरीके के प्रोडक्ट बेचेंगे, तो वहां पे देखना कि प्राइसिंग वॉर का जो रहती है वो किस तरीके से रहती है। इसके साथ ही एक चीज मेरे को लगता है कि स्टारलिंक जैसा जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर B2B और कुछ ऐसे एरियाज में पॉसिबल हो सकता है जहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है और यहां पे लोग इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव सॉल्यूशन रहेगा। तो ऐसा नहीं आप समझ सकते कि घर घर के ऊपर एक डिश एंटीना लगा इंटरनेट के लिए, इस टाइप की होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम है। लेकिन हाँ, एक रास्ता यहां पर मिल गया, और अगर जियो और एयरटेल दोनों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है स्टारलिंक, तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टारलिंक को जो गवर्नमेंट के अप्रूवल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सब चीजें बहुत ही जल्दी यहाँ पे मिल जाएंगी। मेरे को लगता है कि इसी साल स्टारलिंक जो रहेगा वो जियो एयरटेल दोनों मिलकर लेंगे, और जियो और एयरटेल की जो जंग यहाँ पे चल रही थी अब यहाँ पे वो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट पर भी देखने को मिलेगी। देखेंगे जब इसके प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे, प्राइसिंग रहेगी, प्लान्स रहेगा, तब हम इसके बारे में और डिटेल में बात कर पाएंगे और अच्छे तरीके से जान पाएंगे। इसके बाद अगली चीज के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, वो होगी टेस्ला कंपनी की। टेस्ला कंपनी को फाइनली इंडिया में अप्रूवल्स वगैरह के लिए उन्होंने गाड़ी लेकर आ चुके हैं, कई सारी चीजें कर रहे हैं। इवन यहाँ पे इंडिया के अंदर मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इन्होंने स्टोर भी रेंट पे ले लिया, उसके लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यूज भी ले रहे हैं, यहाँ तक कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इंडिया के लिए वहां पर भी हायरिंग कर रहे हैं, और टेस्ला फुल फोर्स से इंडिया में आने वाला है। हालांकि देखने वाली बात है कि जो टेस्ला रहेगा वो अपनी कार कहां से लाएगा। अभी इनिशियली पता चल रहा है जो टैरिफ हुए वो यहां पे कम हो चुके हैं यूएसए से कार लाने के लिए, लेकिन यूएस में जो कार आती है वो आपकी लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है, इंडिया में जो कार होती है वो राइट हैंड ड्राइव चलती है। इसके साथ ही इंडिया में जो कार लेकर आने वाले इनिशियली प्लान्स हैं वो बर्लिन से लाते हैं, तो देखते हैं कि उनकी जो टेस्ला मॉडल 3 ऑफ टेस्ला मॉडल वाई जिसके अभी इनिशियल प्लान्स हैं इंडिया में आने के, उनकी प्राइसिंग क्या रहती है, और आने वाले समय में ये लोग अपनी अफोर्डेबल कार के ऊपर भी प्लान कर रहे हैं तो उसकी कीमत यहाँ क्या रहती है। और इसके साथ ही अगर सिर्फ कार लेकर आएंगे, इसके साथ क्या आप कभी प्रोडक्शन करेंगे, इसकी सर्विस कैसी होगी, रेंज कैसी होगी, इंडियन रोड्स पर टेस्ला कैसा परफॉर्म करेगी, ये देखने वाली बात है। और इसके जो सेल्फ ड्राइविंग के फीचर्स होंगे क्या वो लोग इंडिया के अंदर लेकर आएंगे। और एक बात बता सकता हूं कि टेस्ला थोड़ी सी लेट है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स का जो मार्केट है ऑलरेडी काफी ज्यादा गर्म हो रहा है, और टेस्ला ग्लोबल लेवल पर भी मार्केट शेयर को लूज कर रहा है, और ग्लोबल लेवल पे चाइनीज कंपनीज बहुत तेजी से राइज कर रही है, और चाइनीज कंपनीज भी नजर बना के बैठी इंडियन मार्केट पे कि कैसे हम इंडियन मार्केट को क्रैक कर रहे हैं। BYD का अच्छा एग्जांपल है, MG इस मार्केट को क्रैक कर रही है, लेकिन इंडिया वाला मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। देखने वाली बात है कि टेस्ला इंडिया में आती है तो कैसा परफॉर्म करती है। सच बताऊं मेरे को लगता है कि शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए जैसा उससे एक्सपेक्टेशन की जा रही है। ऑलरेडी 4-5 साल ये लेट हो चुके हैं, अगर 5-6 साल पहले आते तो बहुत अच्छा इंडिया में होल्ड बना चुके होते, लेकिन अभी के समय में टेस्ला के पास कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और टेस्ला की कारें बिल्कुल ही प्रीमियम कैटेगरी के अंदर जाएंगी। देखने वाली बात है कि टेस्ला की परफॉर्मेंस इंडिया के अंदर यहां पर कैसी रहती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि टेस्ला की परफॉर्मेंस ये डिसाइड करेगी कि इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी जो कार मेकर्स है वो अपने इलेक्ट्रिक वाले जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से लाते हैं, और जो बड़ी बड़ी कार कंपनी जो अभी भी इंडिया में अपनी एंट्री करने के लिए वेट कर रही है वो भी देखेंगे टेस्ला यहां पर कैसा
कैसा परफॉर्म करती है। इसके साथ ही काफी इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी कि जो वन प्लस जैसी जो कंपनी है वो आज के समय में इंडिया के अंदर अच्छा अच्छा परफॉर्म नहीं करे, लेकिन उनका भी ये कहना है कि इंडियन मार्केट के अंदर अब वो और भी ज्यादा महंगा प्रीमियम फोन्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे और इसके ज्यादा ऑफलाइन स्टोर के ऊपर भी और डबल डाउन करने वाले 2025 में। यानी कि इस साल वन प्लस का ओपन टू तो नहीं आने वाला, लेकिन वन प्लस जैसी जो कंपनी है ये अपने और भी ज्यादा महंगे फोन्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि वन प्लस 13 से भी एक्सपेंसिव प्रीमियम साइड में फोन्स इनके जा सकते हैं। इसके साथ ही ऑफलाइन वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। और एक चीज जो यहाँ पे पता चला है कि जो अलर्ट स्लाइडर जो वन प्लस की पहचान था वो यहाँ से गायब होने वाला है और अब ऑफिशियली एक एआई बटन और की यहाँ पर आने वाली है जो अलग अलग चीजें यहाँ पर करेगी। तो वन प्लस भी यहाँ पे काफी बड़ा ट्रांजिशन ले रही है। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, वो इधर ये है कि इंडिया के अंदर जो स्मार्टफोन मार्केट है 2025 में वो थोड़ा ग्रो करने वाला है और बाकी सारी कंपनीज जो पिछले 2020 के बाद से अगर हम देखें 2025 तक का समय वहाँ पे हर एक कंपनी ने अपने फ़ोन की प्राइसिंग लगातार बढ़ाती जा रही थी, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पर ये पड़ रहा था कि मोबाइल फ़ोन की सेल्स यहाँ पे कम हो रही थी। इस वजह से सेल्स वॉल्यूम बूस्ट और शिपमेंट बूस्ट करने के लिए ग्लोबली यहाँ पर ये डिसाइड किया जा रहा है कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन कंपनीज ज़्यादा बेटर डील्स ज़्यादा बेटर डिस्काउंट देंगी और जिस तेजी से यहाँ पे प्राइस हम इंक्रीज हो रहे थे वहाँ पे एक रोक लगे अफोर्डेबल फोन थोड़े से मार्केट में, जिससे वॉल्यूम यहाँ पे निकाला जा सके, क्योंकि जो प्रीमियमाइजेशन की स्ट्रेटेजी थी बाकी सारी कंपनीज को बहुत ही बुरी तरीके से फेल रही है। कई सारी कंपनीज डबल डाउन कर रहे हैं क्योंकि कई सारी कंपनीज का मार्केट शेयर लूज हुआ। शाओमी का बहुत अच्छा एग्जांपल है, रिपोर्ट आती है कि शाओमी जो रहती है वो यहाँ पे सीधे 7th पोजीशन पर आ गई, कुछ साल पहले तक ये फर्स्ट हुआ करते थे फिर 7th पे आ गए। तो हाँ, इन कंपनीज को भी डबल डाउन करने की जरूरत है, प्रमोशन स्ट्रेटेजीज को चेंज करने की जरूरत है। और हाँ, नो कॉस्ट ईएमआई कैसा ड्राइवर रहेगा जो ग्लोबल लेवल पे जाएगा, जहां पे लोगों को ईएमआई के दम पे लोगों फोन अफोर्डेबल करा के ज्यादा से ज्यादा बेचा जा सके। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज आपको 2025 में देखने को मिलेंगी। कंज्यूमर को बेनिफिट है कि ज्यादा नंबर ऑफ चॉइसेस देखने को मिलेंगे, बेटर प्रोडक्ट एट राइट प्राइस देखने को मिलेगा जिसको हम हमेशा से पसंद करते हैं। और अब देखने वाली बात है कि नेक्स्ट लेवल का जो इनोवेशन होता है वो यहाँ पे क्या रहता है। तो खैर, ये थी यार इस हफ्ते की कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। बाकी आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।